और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बताने जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश शासन का बड़ा फैसला सामने आया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी मांस की दुकानें बंद होगी। आपको बता दें, बीते दिनों प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले को लेकर और क्या अपडेट आ रही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो पक्षी हैं उनके मरने का सिलसिला जारी है, मंदसौर, नीमच, कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी तादाद में जो कौवे और दूसरे अन्य पक्षी हैं उनकी मौत हो रही है, उसको लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। और आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री निवास पर एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें पशुपालन मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा जो तमाम आला अधिकारी थे पशुपालन विभाग के, चिकित्सा विभाग के, सभी को बैठक में बुलाया गया था। और इस बैठक में जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है बर्ड फ्लू को लेकर, उस पर चर्चा की गई। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में किस तरीके से एहतियात बरतना है उसको लेकर के चर्चा की गई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि तमाम जो पोल्ट्री फार्म है उन्हें उन पर निगरानी की जाएगी, वहाँ जो मुर्गी और अन्य जो पक्षी हैं उनके सैंपल लिए जाएंगे। और साफ तौर पर ये भी कहना है कि ज्यादातर जो मध्य प्रदेश में मुर्गी और तमाम जो पक्षी आते हैं वो साउथ से आते हैं, वो दक्षिण भारत के कई प्रदेशों से आते हैं। और जो भी अब दक्षिण भारत से पक्षी यहाँ पर आएंगे उन पर भी निगरानी की जाएगी, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ साथ तमाम मांस की दुकानें जो हैं वो भी बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रेम सिंह पटेल जो पशुपालन मंत्री है, उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि निर्देश दिए गए हैं तमाम मांस की दुकानें बंद की जाएं और इसके साथ साथ तमाम जो पोल्ट्री फार्म है उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन पर भी जितने भी मुर्गियां और जो अन्य पक्षी हैं उनकी टेस्टिंग लगातार की जाएगी, जिससे कि मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का जो प्रकोप है वो हावी ना हो पाए। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, कोई भी बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए अभी से एहतियात बरता जा रहा है। जी विनीत, एहतियात के तौर पर और क्या बताया गया, क्योंकि ये पक्षियों से फैल रहा है और अभी फिलहाल मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा है, उसके बाद भी इंसानों को एहतियात के तौर पर क्या कुछ अभी आदेश दिए गए हैं? निश्चित तौर पर मास्क की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि अभी कुछ दिन जो लोग हैं वो मांस का सेवन ना करें। साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि तमाम जो पोल्ट्री फॉर्म है उन पर सतत निगरानी होगी, सतत चेकिंग होगी, सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कि ये जो बर्ड फ्लू का प्रकोप है वो मध्य प्रदेश में ना बढ़े। उसके साथ साथ लगातार बैठक करने का भी निर्देश दिए गए हैं। पूरी एक एक चीज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आगे इस पर क्या निर्णय लेना है इसको लेकर के लगातार बैठकें होंगी और निर्देश जारी किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत पाठक, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे भोपाल से। आपको बता दें, पशुपालन मंत्री का आदेश आया है कि मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लगातार बढ़ते बर्ड फ्लू के कहर को लेकर यह आदेश जारी किया गया।